एक दिन अखिलेश यादव शौचालय जा रहे थे और मोदी जी आके कुंडी बंद कर दिए। अब तो कुंडी बंद है और उसके बाद कैसे जाएंगे अंदर शौचालय करने के लिए? भैया शौचालय जा नहीं पाए और अखिलेश यादव का पैंट में कर दिए। आप अपना देखो, हमें अपना देखना है और हमें कैसे संभालना है वो हमें पता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। एज अ सीएम जो इतना बड़ा स्टेट देख रहा है, जो लगभग एक देश के हिसाब से। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए तनाव है, मतलब ये बात जो है उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां कहती हैं, यानी कि विपक्ष में जो भी हैं कहते हैं कि जब जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश में तो योगी जी या बीजेपी जो है माहौल गर्म करने के लिए हिंदुत्व को लेकर कोई ना कोई बयान दे देती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नेम प्लेट वाला मैटर हो गया, फिर बटोगे और कटोगे, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ होना है और वहाँ पर अखिल भारतीय अखाड़ा ने जो है कहा कि जो गैर हिंदू हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे, मतलब उनका एंट्री जो है नहीं होना चाहिए। अब इस पर भी राजनीति होना शुरू हो गया है। लेकिन देश के लोग क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, हिंदू युवा क्या सोचते हैं, मैंने सोचा कि इन लोगों से बात किया जाए, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर कोई मेला लगता है या कोई पर्व कोई त्यौहार होता है तो वहाँ पर इकनॉमी जनरेट होती है, सर्कुलेट होती हैं, वहाँ पर सबका योगदान होता है अगर एक हिसाब से देखा जाए। लेकिन अब इस प्रकार के प्रतिबंध अगर लगाए जाएंगे तो क्या वो सही हैं या गलत हैं? क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक शर्मा। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, जैसे मान लिया कोई भी त्यौहार पर्व होता है तो वहाँ पर भाई लोग सब जाते हैं, बिजनेस होता है, लोगों को काम धंधा मिलता है, अपने अपने आस्था और अपने अपने विश्वास के साथ लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन प्रयागराज में जो महाकुंभ होना है उसमें जो है अब गैर हिंदू का प्रतिबंध लगना किस हद तक सही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब भाई एक बात बताइए, वो हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं का पर्व है, तो वहाँ पर गैर हिंदुओं का जाना क्या है, क्यों जाएँ वहाँ पर? आपको अगर अपना जो है जो भी चीज़ आपको करनी है, धंधा वगैरह करना है, आप अपने कम्युनिटी में करो। हिंदू आप बताइए, मैं हूँ हिंदू, ठीक है, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो मैं नॉनवेज की दुकान पर नहीं जाऊँगा। अगर कोई आगे वहाँ पर ऐसी चीज़ें करेगा तो क्या सही है? हमने अभी बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, उसमें जो है रोटी पर थूक कर जो है कुछ लोग खिला रहे हैं, लोग हिंदुओं को जूस में टॉयलेट मिला के पिला रहे हैं और नाली उसमें जो है ये सब्जियाँ निकाल के खिला रहे हैं, तो हमारा भरोसा उड़ चुका है। और भैया एक बात बताइए, अब किस नॉन हिंदू की बात कर रहे हैं आप, जरा बताएंगे खुल के? सीधा सा टारगेट है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, खास करके आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में भी वही हुआ, अभी यही हो रहा है। हाँ, तो एक बात बताइए, ये मुसलमान भाई जो है वो हमारे भगवान को मानते नहीं है, मूर्ति पूजा वो मानते नहीं है, तो महाकुंभ जो है हमारा जो धर्म है सनातन धर्म वो मानते नहीं है, तो महाकुंभ में उनका जाना तो वर्जित होना चाहिए, क्योंकि वो तो मानते नहीं ना, उनके जाने का फायदा क्या है ना? आप यकीन है ना कि भैया वहाँ पर आप जाके क्या करोगे? तो आप अपने त्यौहार में मनाइए, हम अपने त्यौहार मनाएंगे, ठीक है ना? अभी देखा हमने छठ पूजा मनाया जा रहा था बिहार में, वहाँ पे कुछ पंचर छाप दो कौड़ी के लोग जिहादी घुसे, डंडा पत्थर तलवार वाला लेके वहाँ पे मारा पीटा है किसको, जितने भी बिहारी लोग वहाँ पर, बिहारी भाई हैं हमारे जो हिंदू भाई हैं, बेसिकली जो छठ पूजा है बिहारी लोग बहुत ज़्यादा मनाते हैं भाई, जो बिहारी के लोग हैं, तो वहाँ पे जाके उन लोगों ने सारा तहस नहस कर दिया। तो ऐसे लोगों को वहाँ पे आप क्यों घुसने दोगे? बिल्कुल बैन होना चाहिए भाई। हम आपके जो है जहाँ भी आपका त्यौहार होता है हम वहाँ पे हिंदू नहीं जाता है, तो आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे ये भी प्रतिबंध लगाया गया कि अगर कोई भी जाएगा वहाँ पर तो आधार कार्ड वहाँ पर चेक करा के जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब वहाँ से रोहिंग्या आ जाएंगे, बांग्लादेशी घुसेंगे वहाँ पर, तो भाई हम क्यों घुसने देंगे? क्या पता उस कुंभ के मेले में घुस के वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दे, तो फिर वहाँ पे भगदड़ मचा दे, तो मारपीट कर दे, तलवार लेके पिस्टल लेकर घुस जाए तो क्या करेगा? ऐसा कुछ सही है बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है। हमें भैया बांग्लादेशियों पर, रोहिंग्याओं पर और आतंकवादियों बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल बैन होना चाहिए भैया। हम दूसरी कम्युनिटी में नहीं जाते, हमारे कम्युनिटी बिल्कुल ना हो। सीधी सी बात, हिंदुओं का त्यौहार पवित्र है, पवित्र है, हमारा पवित्र ही रहेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं, चुनाव है और चुनाव की वजह से माहौल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है आप बताइए? ये जो बिहार में अभी हुआ है छठ पूजा में लोगों को मारा काटा गया है वहाँ पर, अभी कुछ दिन, अभी कल की बात है ये, ज्यादा दिन अभी क्या, आज सात आठ तारीख है, ये 7 तारीख की बात है, वहाँ पे जो उन लोगों ने घुस के मारा है, आप बताइए इसको माहौल कौन गर्म कर रहा है? ये योगी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव कर रहे हैं? ये जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, कर नेम प्लेट लगाना, बटोगे कटोगे, ये सब और क्या है भाई, किससे कटने की बात कर रहे हैं? माहौल गर्म नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, अगर ये बटोगे कटोगे जब आता है ना शब्द, तो जिसका जिहादी मानसिकता होती है, जिसे जिसका कसाई मानसिकता होता है, वो कटने के नाम से काटने पीटने भी आ जाता है। लेकिन बटोगे कटोगे अर्थात ये है कि आप अपनी संस्कृति से ना हटो, आप अपने जो है अपने एकता में रहो। हिंदुओं का बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, सेकुलर वाला देश है, तो हिंदुओं को कुछ लोग कुछ ये जो चुनाव में खड़े होते हैं, ये जो मतलब राजनीति कर रहे हैं, वो कभी यादव में बांटते हैं, कभी मिश्रा में, कभी तिवारी में, कभी हिंदू, कभी ब्राह्मण, कभी दलित में, इन सब में बांटने की कोशिश करते हैं। तो योगी जी सब सब संदेशा दे रहे हैं कि भैया आप मत बटो,
और दूसरी बात यह है वहाँ कहाँ संदेशा दे रहे हैं, जब आप एक समुदाय विशेष को टारगेट करके प्रतिबंधित कर रहे हैं तो वहाँ बंटने वाला काम नहीं हो रहा। तो एक ही समुदाय को बांटने का काम भी तो यही लोग करते हैं, आप बताइए ना। और किसी कम्युनिटी वाले को बोलते हैं ये कि भैया आप अपना जो है जाति जनगणना करवाओ, बताइए कोई कहता है? एक बात बताइए, हमेशा हिंदू को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है, तो योगी ने ये बात बोली इसमें गलत क्या है, आप बताइए ना। अब यही राहुल गांधी बोलते हैं कि भैया दलितों का जो है वो कराया जाएगा, जनगणना कराया जाएगा। आप दलित बोल रहे हो, उनको मतलब कितना बुरा लगता होगा। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हो जाति जनगणना होगी, लोगों की जातियाँ पूछी जाएगी, अनुराग ठाकुर खड़े होकर बोलते हैं आप अपनी जाति बताइए, तो अगले छात्रों को बहुत बुरा लगता है कि आपने जाति कैसे पूछ ली। तो आप जब 110 करोड़ हिंदुओं के घर में घुसोगे, 140 करोड़ लोगों के घर में घुसोगे और जाति पूछोगे, उनको बुरा नहीं लगेगा? ये कहाँ का जो मान होता है, ये कहाँ की राजनीति है? तो सीधी सी बात है, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि भैया जहाँ भी हिंदुओं का मेला लगा है वहाँ पर बाकी लोगों का बैन होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है भैया वहीं पर जाके लोग जिहाद पना करते हैं, आज देखने को मिल रहा है। सही है, बहुत से दुकानें होती हैं जहाँ से जो है तमाम सामानें खरीदी जाती हैं, बहुत से हुनरमंद लोग होते हैं जो तमाम तरह के बुनकरी करके लेकर जाते हैं, मेलों में बेचते हैं, जब उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? हमारा मन नहीं, हमने खरीदेंगे, पब्लिक को आप जबरदस्ती खरीदवाएंगे क्या? हमारा मन नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, बात खत्म हो गई। हमारा जिस दुकान से होगा लेना होगा वहाँ से लेंगे। अरे भैया जब हमें पता है कि सामने वाला रोटियों में थूक रहा है, बिरयानी में थूक रहा है, टॉयलेट मिला के जूस में पिला रहा है, हैं, तो हम क्यों लेंगे ऐसी जगह पे, ऐसी दुकान से हम क्यों खरीदेंगे? हमारी मर्जी नहीं खरीदेंगे। योगी बाबा भ्रम फैला रहे हैं, का धर्म है, अरे भ्रम फैला रहे हैं। देखिए मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जो हमारे भगवान पे भरोसा करता है, जो हमारे जय श्री राम बोलता है, जो हमारे मूर्तियों को पूजता है, हम लोग तो पूजते हैं, और जो पूजते हैं उनका जाना वहाँ पर बिल्कुल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नहीं मानता है उसको क्यों जाएगा भाई? आप जब मानते ही नहीं हो, आप भगवान को मानते हो, हमारे राम को नहीं मानते हो, हमारे भगवान को नहीं मानते हो, तो आप क्यों जाओगे वहाँ पर? आपका काम क्या है? आप अपना जो है व्यापार चलाना है। आपको अगर हमारे भगवान के नाम से व्यापार चलाना है, अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, तो सीधा धर्म परिवर्तन करो, आ जाओ हिंदू बन जाओ, सनातनी बन जाओ, आप उसके बाद जो मर्जी व्यापार करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जाएंगे मेले में और मांस मदिरा बेचेंगे। भैया हमें क्या पता है कि आप जो खाने की चीज़ बेच रहे हो, मान लीजिए चाउमीन बेच रहे हो, बर्गर बेच रहे हो, हमें क्या पता कि भैया उसके अंदर किसका मांस घुसा हुआ है? क्योंकि भैया हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है हमें जो है कभी हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया जाता है, कभी जो है टॉयलेट में जूस में टॉयलेट मिला के पिलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें अब की जा रही है तो हमारा भरोसा उठ गया ना, तो काहे बात की भाईचारा, काहे बात की जो है ये, काहे बात का आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ जो सरकार ये नियम ले रही है कि भैया बैन करने की, तो वहाँ पर नॉन हिंदू जाना बिल्कुल बैन होना चाहिए, और अगर कोई कुंभ के मेले में सब पकड़ा जाता है तो उसको सजा देना चाहिए, बल्ले बल्ले मार कर पिछवाड़ा लाल कर दो। हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, हम अपना पवित्र से मनाते हैं, जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, जो मांस खाते हैं उनका उस जगह पर जाना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, सीधी बात है। और इस बार योगी सरकार ही आएगी, अगले साल तो चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो 7 जन्म और ले लेंगे तो भी योगी को नहीं हरा पाएंगे। अरे जुटेंगे और जीतेंगे भी, जुटेंगे जीतेंगे, जुटते रहिए आप लोग, जुटते। ऐसे राहुल गांधी भी 26 पार्टियां लेके आए थे जुटने के लिए, पूरा देश में 3,250 किलोमीटर चले थे, 1,300 करोड़ रुपए खर्चे किए थे, कौन सा जोड़ा लिया? 3 राज्यों गवा दिया। आप भी जोड़ लो ऐसे, आप जीत जाओगे? भैया तुम्हारे कर्म बता रहे, तुम कौन सा काम करते हो? हमें पता है कि अगले शादो हमेशा जो है जाति का और उसके बाद भेदभाव करके लोगों को बांट के जो है राजनीति करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं। अरे भैया जो इंसान गैंगस्टर को पालता है, जो बदमाशों को पाल रहा है, वो पालकर अपनी राजनीति कर रहा है, तो बताइए वो क्या करेगा? आप बताइए योगी के आने के बाद, जब विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद जैसे लोगों को खात्मा करना पड़ा, उनको खत्म करना पड़ा, तो आप क्या कर रहे थे? घंटा बचा रहे थे, आप कर क्या रहे थे? राजनीति में आप थे ना, आप बताइए ना। यही लोग हैं जो लोगों का हत्या करते थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, और लोगों का जो है खेत वगैरह जो है कब्जे में करते थे, जितने गैंगस्टर थे। आज पूरे मुजफ्फरनगर में, पूरे यूपी में जाके देख लीजिए, कोई गैंगस्टर है पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, योगी की वजह से। अब ये अगर आ गए तो वापस दोबारा से वही लग जाएगा। यही है अखिलेश यादव, जिनके नेता ने मुईद खान ने 12 साल की 13 साल की बच्ची का रेप किया था, रेपिस्ट है वो, और इन्हीं के पार्टी वाले कार्यकर्ता वाले हैं, कार्यकर्ता जिनके पास फर्जी नोट पाए गए हैं, फर्जी मशीन नोट छापने वाली मशीन पाई गई है, 5-5 पिस्टल पाए गए हैं। कौन है ये? इनके पार्टी वाले हैं। तो लोगों को जो है जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किन जैसे लोगों को हम जिताते हैं, क्योंकि जिताते हुए विकास के लिए इनके ही नेता आपके बच्चियों का रेप कर देते हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कार, जो बीजेपी में है वो क्लीन है, वो पाक साफ है, और जो बीजेपी से बाहर है, विपक्ष में है, वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। दो चार का नाम गिनवा दीजिए, हमें तो बता रहे ना, अब दो चार का नाम गिनवा दीजिए, हम गिनवाते हैं दो चार का। भैया एक बार मोहित खान के बाद दूसरा कन्नौज में किसने रेप किया है? इन्हें के जो है इनके पार्टी वालों ने किया है, इन्हें के नेता ने किया है। तो ये लोग करते रहेंगे ऐसे ही, और पब्लिक को पता है कि भैया अब किसको सत्ता में आने चाहिए। भैया जी इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, बुलडोजर बाबा का आप जान समझिए, बुलडोजर बाबा घर के साथ में पूरा उखाड़ देंगे जिस दिन अपनी औकात पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि गैंगस्टर को खत्म करना है, वरना यही लोग पूरे यूपी में बात कर देंगे। ये लोग योगी बाबा बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में डर रही है, कहां डर रही है, विफल हो रही है, इसलिए इनकाउंटर और जो है बुलडोजर। किससे डर रही है, किससे डर रही है? आप
बताइए, अगर ये लोग इंडी गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं तो आप बताइए, जो आप कह रहे हो अयोध्या हार गए थे लोकसभा में, तो भैया 32 सीट तो मोदी की भी आई थी, 37 सीट आपकी आई थी, तो आप लोगों ने दोगला मतलब वही कहा कि कहते हैं वो एजेंडा फैला के 8,500 रुपये देंगे, खटाखट का मशीन चला रखा था इन लोगों ने, पैसे तो दिए नहीं, तो उसी के चक्कर में लोग लालच में आके इन लोगों को दे दिया। अब की बार वो गलती नहीं होने वाली है, अब की बार गलती नहीं होगी और इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग जब भी राजनीति में आते हैं सरकार को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, गरीबों का जो है पैसा लूटते हैं, लोगों का जमीन लूटने का काम करते हैं, और बहन बेटियों का इज्जत लूटता है, वो लूटता रहता है, ये लोग कोई काम नहीं करते, इसलिए इनको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, ये यूपी के जितनी जनता है वो सब उखाड़ के फेंकेगी इनको। कह रहे हैं कि सत्ता कह रहे हैं कि बटोगे गटोगे जो बात कर रहे हैं ना, वो 2027 में पीटे भी जाएंगे, शिवपाल चाचा कह रहे हैं। अरे भैया 2027 से आने तो दीजिए, अभी तो समय है। 2027 के सत्ताधीश हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ऐसे सपने देखते रहेंगे, सपने ऐसे तोड़ते रहेंगे, राहुल गांधी भी पता नहीं कितने साल से सपने देख रहे हैं लेकिन हर बार हार जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे। 65 साल आपकी सरकार थी, तो बताइए आप 65 साल सरकार में होते हुए आपके 100 सीटें पार नहीं हो रही है, तो आपने आपके 65 साल में आपके पूर्वजों ने क्या काम किया था, लोगों को बांटने काम किया था, आप बताइए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव सपने देखते रहेंगे, ऐसे सपने टूटते रहेंगे। अरे भैया एक बार बताता हूँ मैं आपको, अरे एक दिन क्या हुआ, अखिलेश यादव जी बार बार बोलते कि भैया हम कुछ काम करने जाते हैं, तो भैया ये मोदी सरकार जो है हमें आके जो है रोक देती है। एक दिन अखिलेश यादव शौचालय जा रहे थे और मोदी जी आके कुंडी बंद कर दिए, अब तो कुंडी बंद है, और उसके बाद कैसे जाएंगे अंदर शौचालय करने के लिए, भैया शौचालय जा नहीं पाए और अखिलेश यादव का पैंट में कर दिए, कांड हो गया उनके साथ में। तो भैया मोदी जैसे काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आप ऐसे उन पर लांछन लगाते रहिए। आप कह रहे हैं हिंदू युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है, धर्म से जोड़कर उलझाया जा रहा है, राजनीति करने का पूरा फायदा लेकर बगल हो जाते हैं, कहते हैं फूट डालो राज करो, वही कर रही है बीजेपी। आप बताइए जो राम मंदिर का ये मुद्दा चल रहा था, ये 500 सालों से चल रहा था, अभी तक लड़ाइयां हो रही थी, उसका जो है समाधान किसने किया, किस सरकार ने किया है, आज तक वहां पे लड़ाइयां हो रही थी, नहीं हो रही थी, इनके पिताजी इनके ही पूर्वज है जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे। आप बताइए आपके पूर्वज अगर राम भक्तों पे गोलियां चलवा सकते हैं तो पता नहीं कितने लोगों का जो हत्या करवा सकते हैं, क्योंकि आप भी उनके सुपुत्र हैं। अरे ये अखिलेश यादव वही है जो अपने पिताजी को मन से उठा के बाहर कर देते हैं, माइक छीन लेते हैं, और ये यूपी की जनता जो है इनको वोट देगी, धक्का मार के निकालेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए तनाव है, विपक्ष कहता है। एक बार आपने सुना होगा योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब प्रयागराज में महाकुंभ होना है, उसमें भी गैर हिंदुओं का प्रतिबंध को लेकर जो है अब विवाद धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। क्या लगता है कि इस प्रकार से जो आज के टाइम पे माहौल बन रहा है, क्या लगता है हिंदुत्व को लेकर जो है प्रमोट किया जा रहा है या चुनावी फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्या कहें? नमस्कार भारतवासियों, मैं आपका अश्विन भाई, भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि महाकुंभ में जो गैर हिंदू है उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा आपको कारण पता क्या है, अभी आपको पता है माता की वहाँ से रैली निकली थी तो वहाँ एक भाई को मार दिया गया 16 गोलियों के साथ, ठीक है। अगर जब ऐसा ही होना है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आपने ये सुना होगा, तो गवर्नमेंट प्रिकॉशन लेके चल रही है कि यार ऐसा कुछ हो ना, तो इससे बढ़िया ये किया जाए कि आप अपना वहाँ रहो ना, हम आपको धकल दे रहे हैं ना आप हमें धकल दो, तो इसमें गलत क्या है, आप एक बात बताओ ना। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स यानी कि टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय विशेष को, कह रहे हैं इकोनॉमिक क्या टारगेट हुआ, उन्होंने ये तो नहीं बोल दिया अरे मुसलमान बस्ती है इसको खाली करो यहाँ कुंभ होना है, ये तो नहीं बोल रहा ना कोई, क्या बोला गया है कि आप अपना देखो हमें अपना देखना है और हमें कैसे संभालना है वो हमें पता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। एज अ CM जो इतने बड़ा देश इतना बड़ा स्टेट देख रहा है जो लगभग एक देश के हिसाब का है, उसको पता है कि कैसे चलाना है, उसने अभी मौका दिया था ना, तो इन्होंने क्या किया गोलियां चलवा दी, इससे पहले भी मौका दिया था क्या किया गोलियां चलवा दी, है ना। 1984 में जब बात किया जाए 1984 में लोग तो हिंदुओं का बदनाम करते हैं, पगड़ियां किन्होंने खोली कभी वहाँ के लोगों को जाके पूछो, आधा से आधा सबको सच्चाई पता चल जाएगी किन्होंने की है वो। तो ये जो हरकतें इन्होंने सोची हुई है ना कि हम एक तरफ से बांट देंगे, हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है वो, आप एक बात बताओ 9 साल हो गई आज योगी सरकार को, वहाँ पर कितनी मुसलमान बस्तियाँ वहाँ खाली हो गई है, एक भी नहीं बता पाओगे, कितने मुसलमान को वहाँ लगातार काट दिया गया है, एक नहीं बता पाओगे। इकोनॉमिक बायकॉट किया जा रहा है, जब आप कांवड़ यात्रा निकलेगा आप वहाँ कहेंगे नेम प्लेट लगाइए, ये दुकान से सामान लेंगे ये नहीं लेंगे, फिर जो है बटोगे कटोगे जैसा नारा लगवाया जाएगा, तो टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सरदार हूँ, ठीक है, हमारे गुरबानी के हिसाब से कुटा मीट हलाल मीट मना है, वैसे तो मीट खाना ही नहीं चाहिए, मैं खुद हूँ मैं मीट नहीं खाता, मीट वैसे नहीं खाना चाहिए, कुटा मीट का तो कुरैत बोला जाता है, कुटा मीट का मतलब क्या होता है हलाल। अभी अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई मुसलमान है, अगर वो मुझे हलाल खिला तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है नेम प्लेट, आप एक बात बताओ ना, दुकानों का नाम नहीं होता है, बड़े बड़े मॉलों का नाम नहीं होता है, तुम अगर कुछ भी लगा रहे हो तुम अपना नाम लगा रहे हो तो उसमें गलत क्या है, मतलब तुम्हारे अंदर चोर है तुम अपना नाम दर्शाना चाह रहे हो,